सलाम, सत श्री अकाल ते जी आया नू। मैं सुफना टीवी दी टीम वालों पुनल फहीम ताड़ी खिदमत दे विच हाजिर हाँ। अज मैं सियालकोट की एक सरकडवी शख्सियत की दास्तान लैके ताड़ी खिदमत दे विच हाजिर हाँ। एदा मवाद जफर नदीम दाऊद की किताब सियालकोट के सरकडवी लोगों तो लिया गया है। वीडियो शुरू करने तो पहले मेरे तुहाडे अगे बेनती है कि वीडियो नू लाइक ते कमेंट चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो, शुक्रिया। उंज ते सियालकोट विच बहुत सारे सरकडवें लोग पैदा हुए, पर इन्हां विच भी दो भरा अपना मुनफरिद मकाम रखते ने, जिन्हां विचों एक डॉक्टर इकबाल शदाई ते दूजे डॉक्टर जमाल भुट्टा ने। इन्हां दोवां दा अपने शोबियां दे विच एक मुनफरिद नां है। असी इस वीडियो दे विच मुहम्मद इकबाल शदाई दी गल करांगे, जिहड़े आज़ादी दी जदोजहद लई गदर पार्टी दे बानी मैंबर सन ते उन्हां ने आज़ाद हिंद हकूमत दे नां तों एक जलावतन हकूमत भी बनाई सी। आप चौधरी गुलाम अली भुट्टा दे घर 1888 दे विच मोहल्ला रंगपुरा दे इलाके पूरा हेरा विच पैदा होए ते आपने भी अलामा इकबाल ते फैज़ अहमद फैज़ वांगों स्कॉच मिशन हाई स्कूल ते मरे कॉलेज विच तलीम हासिल की। इकबाल शदाई ने 1914 विच अपनी सियासी सरगर्मियां नू शुरू किया। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਫੇ ਮੱਕਾ ਨੇ ਉਸਮਾਨੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੋਹਰ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਅੰਜੁਮਨੇ ਹਦਾਮੀ ਕਾਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ। ਆਪ ਇਹਦੇ ਰੁਕਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मर्दान विच एक मकामी सरकारी स्कूल दे विच उस्ताद दी मुलाजमत लग गई, पर छेती ही बरतानवी हकूमत मुहालिफ होन पारों उन्हां नूं मुलाजमत तों कट दिता गया। अगस्त 1915 नूं सियालकोट दे डिप्टी कमिश्नर दे हुक्म उत्ते उन्हां दी फिरन टुरन दे हद मुहल्ला पूरा हेरां तक महदूद कर दिती गई। जदों अक्टूबर 1915 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਾਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਰਾਂ 1918 ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਖੱਡਵੇਂ ਆਗੂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੋਹਰ ਹੋਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਹਰਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1920 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੋਹਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰਫੀ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਹਾਜਰੀਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਖਸ਼ੀਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਦਾਈ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੈਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਦਾਈ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਰੂਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਅਕਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹਰੀਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਦਾਈ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਕਰਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਅਸਮਤ ਅਨੂਨੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸਗੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀ
पहली आलमी लड़ाई विच हिंदुस्तानी फौज विच रल के सल्तनत उस्मानिया खिलाफ लड़ाई की। डॉक्टर सलमान शाह जहानपुरी होर ने अब्दुल्ला सिंधी ते इकबाल शदाई दे एक दूजे नू लिखे हुए हत्थां नू किताबी शक्ल दे विच छापिया है। नाले इकबाल शदाई रेशमी रुमाल तहरीक दे विच भी शामिल सन। इकबाल शदाई हिंदुस्तान दी आज़ादी लई आलमी कोशिशां दे हामी सन। ऐसी लई 1933 दे विच इटली चले गए क्योंकि आप नू लग्या कि मुसोलिनी दी हकूमत बरतानिया दी दुश्मन है जिहड़ी कि हिंदुस्तान दी आज़ादी दी कोशिश लई साथ दे सकती है। वह इटली दे खारजा वजारत ते मशीर बन गए ताकि हिंदुस्तान विच बरतानिया खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाए। आपने इटली तो फंड ले अजीत सिंह और नाल मिलके रेडियो हमालिया कायम किया जिन्हें के दूजी जंगे अजीम विच हिंदुस्तान लई रोज़ नशरियात कीतियां। वह नशरियात इन्नी ज़्यादा मकबूल नाले कारामद हुईयां कि बहुत सारे लोगों का ख्याल सी कि नशरियात हिंदुस्तान दे विचों कीती जांदी पईयां ने। सन 41 विच रोम दे विच आज़ाद हिंद हकूमत कायम कीती जिथे वह सदर सन ते सरदार अजीत सिंह इतलात तो नशरियात दे वजीर सन। 1942 दे विच आज़ाद हिंदुस्तान बटालियन भी कायम कीती जिस विच हिंदुस्तान दे जंगी कैदियां नू शामिल किया गया, पर यह बटालियन कदी भी जंग दे विच शामिल नहीं हुई। 1944 दे विच इकबाल शदाई इतिहादी फौजां कोलों बचन लई मिलान चले गए। इत्थे यह गल भी याद रखन योगी है जदों चंद्र बोस ने जापान की मदद नाल जलावतन हिंदुस्तानी हकूमत बनाई तो उहदा नां भी आज़ाद हिंद हकूमत रख्या गया। नाले उत्थे भी जिहड़ी हिंदुस्तानी बटालियन कायम हुई उहदा नां भी आज़ाद हिंद फौज ही रख्या गया। इत्थे मैं अपने नाज़रीन नूं यह भी दसना चाहवांगा कि चंद्र बोस इटली दे विच भी मौजूद सी ते इकबाल शदाई दे नाल मिलके हिंदुस्तान दी आज़ादी लई तुआ ने रल के काम किया। इटली विच इकबाल शदाई दी पोजिशन बड़ी मजबूत सी जिदी वजह नाल दुआ लीडरां दे विच खिचाव भी देखा गया। इटली दा वजीरे हाजा पूरे मशरकी वुस्ता दे मुसलमाना दे हवाले नाल इकबाल शदाई नू ज़्यादा अहम समझदा सी। दिसंबर 1941 विच जर्मन इटली पॉलिसी इजलास दे विच चंद्र बोस इकबाल शदाई ते गुल सदीक खां शामिल होए। पाकिस्तान बनन मगरों इकबाल शदाई दा ख्याल सी कि पाकिस्तान दा फायदा ऐदे ही ची है कि वह मुसलमान मुल्कां दे इतिहाद लई काम करे। तदी उन्होंने 1948 वर्ल्ड मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान दी बुनियाद रखी ते इस तंजीम दे पहले जनरल सैक्रटरी बने। 1930 तो 1939 तक इकबाल शदाई ने बहुत सारा वेला पैरिस विच ही गुजारिया जिथे उन्हां दी एक फ्रांसीसी जनानी दे नाल विआह कीता। उन्हां तकसीम मगरों भारती असरार दे बावजूद भारती शरीयत नहीं लई। वह इटली जाके टोरन यूनिवर्सिटी विच उर्दू पढ़ाते रहे ते बाद विच पाकिस्तान आ गए। पहला सियालकोट आए उत्थे डरमा वाले चौक विच उन्हां जी आया नू आख्या गया ते चौक दा नां इकबाल शदाई दे नां ते इकबाल चौक रख्या गया। मगरों जद सरकारी सतह ते एदा नां अलामा इकबाल चौक रख दिता गया। 13 जनवरी
1974 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਆਪ ਦੀ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਏਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੀ ਸਰਗਜ਼ਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਦਵੀਨ ਡਾਕਟਰ ਅਬੂ ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨਪੁਰੀ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਦਾਸਤਾਨੇ ਬਿਲਾ ਕਸ਼ਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਦੋਜਹਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ।